आज की चर्चा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है। चर्चा हम इस प्रकार करेंगे, हाइड्रोजनीकरण के बारे में बात करेंगे। आज होता क्या है, जिसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, जब किसी भी कंपाउंड से जल निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण, और जब हाइड्रोजन निकलता है तो उसको कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। यानी हाइड्रोजन का निकलना आपका कहलाता है हाइड्रोजनीकरण, के नाम से उसको जाना जाता है। हम आज हाइड्रोजनीकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, सुने, CH3CH2OH फॉर्मूला होता है आपका एथिल अल्कोहल का, यानी इसको हम लोग एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के नाम से जानते हैं। हमने क्या किया, इसको रक्त तप्त कॉपर की उपस्थिति में, यानी कि कॉपर को बहुत ज़्यादा गर्म करना है, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, बचा गया आपका CHO बचेगा, जिसको हम लोग एसिटाल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, और हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकलता है इसलिए इस तरह की अभिक्रियाएँ जो होती हैं हमारी, उनको हाइड्रोजनीकरण के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तत्पश्चात क्या बात करने जा रहे हैं, अगर हम इस एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा दें, अमोनिया से करा दें, यानी NH3 से करा दें, तो NH3 का एक H और CH2OH का एक OH, यहाँ से जल का मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, और बचेगा क्या, केवल ये NH2 बचेगा, जो कि CH2 के बगल में आकर के लग जाएगा जल निकलने के बाद। इसका मतलब ये हो गया कि CH3CH2 और ये NH2 यहाँ लगा तो बन गया CH3CH2NH2, यानी एथिल एमीन। NH2 को हम लोग एमीन के नाम से जानते हैं। इस तरह की बातचीत हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th 11th 12th सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह कन्वर्जेंस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।